हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो में, नई जानकारी लेकर। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा शिखर का सिर्फ आज का जुड़ा ही बचा है ऊपर। उसके बाद फिर ये शिखर में अगला दूसरा काम चालू हो जाएगा, प्लास्टर वगैरह का। तो हम इसके ऊपर कलश बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले ये जुड़ाई कंप्लीट होने के बाद कलश बनेगा, और उसके बाद फिर हम इसकी जुड़ाई लेंगे। एक ये शिखर है दोस्तों, ये करीब 16 से 18 फीट तक इसकी हाइट जाएगी, तो इसलिए इस शिखर का काम उसके बाद चालू होगा। तो इसका 8 फीट बाय 8 फीट का पूरा एरिया है, और भविष्य में इसमें भी जो भी वर्क होगा मैं उसके वीडियो कंटिन्यू डालूँगा। और साथ ही एक वर्क नीचे गेट का चल रहा है दोस्तों, तो मैं अभी आपको नीचे लेके चलता हूँ, वो गेट भी बताऊँगा। और उस गेट पे भी जो डिजाइनें बनेगी सारी मैं वीडियो में बताऊँगा, तो आप इसके लिए मेरे साथ बने रहें चैनल पे। और ये हरीश भैया क्या कहना चाहते हैं सुने। शिखर में ये भी लगाना जरूरी है चढ़ने के लिए, नया पैटर्न। ये प्लास्टिक के हैं कि इसके अंदर रोड है? इसके अंदर लोहे की रोड लगी हुई है, लोहे की रोड मेटल की। ठीक है, ठीक। तो ये नीचे से शिखर की भव्यता देखिए, काफी बड़ा और भव्य लग रहा है शिखर। और मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये 3 मंजिल के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, और बड़ा मस्त लग रहा है। इसके बाद हम इस पे कलश बनाएंगे, प्लास्टर करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को गेट बता देता हूँ। तो दोस्तों ये इस प्रकार से गेट बन रहा है, और ये गेट भी पूरा 3 मंजिल तक अटैच रहेगा, इतना बड़ा बनेगा। तो ये इसकी शुरुआत है। तो पूरा गेट बनने के बाद मैं गेट के वीडियो भी आपको बताऊंगा। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नई नई चीजें मिलेगी। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आ गया है इस शिखर का, तो सबसे पहले तो हम इसको गुनिया चेक करेंगे कि ये कितना गुनिये में है और किसका गाला क्या बैठ रहा है, तो हमें जुड़ाई किस हिसाब से लेनी है। तो दोस्तों इसमें कहीं हल्का फुल्का आधा इंची का डिफरेंस आ रहा है, और वो आना जायज भी है दोस्तों। 2 फीट की इसकी साइट है, और लोहे की साइट लगी थी इस बीम पे, तो थोड़ी बहुत ऊपर से बीम अंदर बाहर हो सकता है। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है दोस्तों, अब हमें इसके ऊपर गुनिये में करना है। तो ये आ रहा है अपना करीब 87 इंची। तो दोस्तों ये 87 आ रहा है, इसीलिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, 90 इंची की जाल बनी थी, और अब हम इसकी जुड़ाई लगाएंगे 87। इसको अंदर से अंदर रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बाहर से बाहर ये 87 और 9 9 इंची की ईंट है, तो 18 इंची प्लस हो जाएगा। तो बाहर से बाहर दोस्तों हो गया है ये हमारा 105 इंची। तो दोस्तों इसको बिल्कुल गुनिया में हमने कर दिया है, और गुनिया में जब रंगत लगाने के बावजूद भी इसका क्रॉस हमने कोने से कोने जरूर नापा है दोस्तों, वो एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद हम इस पे जुड़ाई करेंगे कंटिन्यू, और जुड़ाई में ये हरीश जी की तरह हमें भी ध्यान रखना है, ईंट की डब्बियां प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर ही रखें, और कहीं ईंट कोई टेढ़ी मेढ़ी हो तो मजबूरन हमें नीचे रखनी पड़ती है। ज़्यादातर हरीश जी डब्बी ऊपर रखते हैं, और ऊपर ही रखना चाहिए दोस्तों, ये इंजीनियर्स की पहली पसंद होती है। तो ये हमारी जुड़ाई कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद हम इसमें लास्ट रद्दे का दोस्तों लेवल करेंगे, और वहाँ पर बहुत सावधान रहना है दोस्तों। तो इसका लेवल किस प्रकार किया जाता है, कैसे करते हैं, ये सारा मैं आपको इसमें बताऊँगा। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लेवल देखते समय फिर आप सब्सक्राइब करना भूल जाओगे, तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि इस पूरे शिखर के वीडियो की एक एक नोटिफिकेशन आपको मिले जितने भी मैं वीडियो डालूंगा। क्योंकि पूरा शिखर बताऊंगा दोस्तों बनता हुआ, तो हर वीडियो कीमती रहेगा, और मेरा दावा है कि ये शिखर देखने के बाद शायद आपके मन में कोई प्रश्न ना बचे शिखर से संबंधित। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं इसके लेवल की ओर। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था शिखर की सांवल कैसे करें, और एक वीडियो बनाया था कि शिखर की जब अपन चुनाई करें इस प्रकार की, तो ऊपर से टॉप लेवल में कैसे करें। तो एक हमारे भाई ने फोन करके मुझसे पूछा कि मैं जब भी लेवल करता हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह ही जाता है। मैं अच्छी तरह देखता हूँ कि अच्छी तरह लेवल पाइप में से एयर ना रहे, लेवल पाइप अच्छी भरी हुई हो, लेवल पाइप दबी हुई ना हो, उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत लेवल में मिस्टेक रह ही जाती है। तो वो क्यों रह जाती है ये तो वो जाने,
मगर मैं एक ऐसा नया तरीका बताऊंगा ईंटों के टॉप का लेवल करने का कि ताकि उससे कभी कोई दिक्कत ना आए और ये इस प्रकार की समस्या ना आए। इस प्रकार की समस्या दोस्तों मेरे हिसाब से वो तब आती है जब बार बार आप लेवल को चेक करते हो। दोस्तों ये जैसे अपनी दीवार हो गई, अब ये दीवार के ऊपर अपने को यहाँ एक रद्दा लगाना है ईंटों का। ये मैं डेढ़ डेस में बता रहा हूँ, ये अभी लगा नहीं है, ये लगाना है। तो दोस्तों होता क्या है, अक्सर यहाँ से आदमी लेवल चेक करता है तो इस जगह तक चेक करता है लेवल को। तो इस चक्कर में दोस्तों एक बार आपने मिला लिया ईंट ऊंची जा रही है या नीची जा रही है, जो भी है अप है या डाउन है, फिर आप उसमें मसाला लगाओगे और फिर से ईंट रखोगे, फिर चेक करोगे, फिर मसाला लगाओगे। बार बार ऐसा करते रहोगे तो कभी ना कभी इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको टाइम ना लगे। दोस्तों कभी भी इस ईंट पे डायरेक्ट रखने के बाद लेवल ना करें। आप इस दीवार में थोड़ा सा नीचे 6 इंची 4 इंची या 7 इंची जो भी आपकी इच्छा हो, उदाहरण के लिए जैसे अपन ने यहाँ 8 इंची नीचे एक निशान लगा लिया ईंटों पर और इससे यहाँ पर लेवल चेक किया। दोस्तों इससे यहाँ पर लेवल चेक किया, ये हो गया अपना लेवल है ना। और उसके बाद यहाँ से जो भी आ रहा है, मान लो ये 11 इंच आया तो यहाँ से 11 और यहाँ से 11 करके आप ईंट को आराम से मिला के रख दीजिए। टाइम की बचत होगी, बार बार लेवल पाइप लंबा ना करना पड़ेगा और बार बार आप कभी लेवर गलती करें उससे भी बचेंगे। तो इस प्रकार से करें तो आपका लेवल बहुत जल्दी होगा। ये लेवल करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों और इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों हमारे शिखर की कुंभी जुड़ गई है, वाटर लेवल हमने इसके टॉप का कर लिया है और इस कुंभी को लोग ठिया भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे।